हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएनपी देवास के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का आपका जो स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। इसका रिजल्ट आने के बाद, इसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आता है, कैंडिडेट्स को ये जानना, एस्पिरेंट्स को ये जानना है कि इसका एक्चुअल जो रिटन टेस्ट है वो आपका कब होगा। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आफ्टर स्किल टेस्ट वो काफ़ी जल्दी होता है, ठीक है। तकरीबन आपको 25 से 30 दिन का यहाँ पे समय दिया जाएगा। अगर बात करेंगे यहाँ पे आपका 26 अप्रैल को यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड जो डेट है वो हो जाएगी आपकी 26 मई। तो ये कैलेंडर हमने ओपन कर लिए है मई महीने का, तो यहाँ पे आप देख पाओगे संडे को 26 आ रहा है, ठीक है। तो तकरीबन आप मान के चलिए कि 26 मई या फिर 2 जून तक जो है आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल सकती है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का रिटर्न एग्जामिनेशन। अगर आप क्लियर कर जाते हो स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट अगर आप क्लियर कर जाते हो, तो आपकी एग्जामिनेशन डेट में बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जून का फर्स्ट वीक या फिर मई का लास्ट वीक। आपको ध्यान से सुनना है, जून का फर्स्ट वीक या फिर मई के लास्ट वीक में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और बीएनपी देवास क्या करता है, पहले से नोटिफाई नहीं करता है, ठीक है। आपको प्रिपेयर करना है खुद को पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे बीएनपी देवास या फिर एसपीएमसीएल क्या करेगा कि आपको जो है डायरेक्टली नोटिस दे देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 दिन पहले यहाँ पे आपको नोटिस मिल गया था कि आपको जो है 10 दिन का ही समय दिया गया था। उसी तरीके से आपका जब रिटर्न एग्जामिनेशन का जब डेट आएगी तब आपको 8 से 10 दिन पहले बताया जाके कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है, बट आपको तैयारी से अभी से लगना है। जैसे कि ये जॉब नोटिफिकेशन निकली थी क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, अगर ये जॉब नोटिफिकेशन जब निकली थी तभी से आपको प्रैक्टिस करना था टाइपिंग टेस्ट की, बट यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रही है। 40 वर्ड पर मिनट काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। अगर बात करेंगे इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट तो ठीक है अगर हिंदी में, बट इंग्लिश की बात करेंगे तो 40 वर्ड पर मिनट काफी बड़ी है, काफी ज्यादा ही स्पीड होती है। तो काफी सारे कैंडिडेट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश टाइपिंग तो आती है बट उतनी स्पीड उनकी नहीं होती, और हिंदी टाइपिंग तो उनको बिल्कुल भी आती नहीं है। तो वो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही अपनी टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट देते हैं, अपडेट होते हैं, और उनकी स्पीड उतनी अचीव नहीं कर पाने की वजह से जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हिंदी टाइपिंग उनका अच्छा है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, उनके काफी अच्छे चांसेस होते हैं। तो जैसे ही आपका स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन हो जाए तो उसके बाद में आपको रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए लग जाना है जल्द से जल्द, क्योंकि अगर एक बार अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो तो काफी अच्छे चांसेस आपके होते हैं जॉब के। और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, मुश्किल से आपको 1 से 1.5 महीने का समय दिया जाएगा, यानी 40 से 45 दिन बाद जो आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा बीएनपी देवास की तरफ से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। अगर आप मॉडल प्रैक्टिस से डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहां क्लिक करके आप मॉडल प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हो सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, जैसा हमने पेपर सेट तैयार किए हैं सेम टू सेम वैसा ही पेपर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो एक बार ही आपको डाउनलोड कर लेना है, ओनली 30 रुपीज़ आपको पे करना होगा डाउनलोड करने के लिए। जो सीरियस कैंडिडेट्स है वो एक बार ही देख लीजिए कि किस तरीके का आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो यही था गाइस एक वीडियो आपको ये अपडेट देने के लिए कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट थे कि स्किल टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन के बीच में गैप कितना होगा। तो यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलेगा ओनली 40 to 45 डेज, इससे बड़ा गैप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग आगे और बात करेंगे कुछ और कमेंट्स के साथ में, छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें हम लोग एक कमेंट के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक और कमेंट करिए, ठीक है। लाइक जरूर से करने हैं, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतनी ही ज्यादा वीडियोस जो है अपलोड होंगी इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू वेरी मच गाइस।